सो भाई, जैसा कि आप सभी को पता है कि कुछ दिन पहले टीवीएस ने अपनी स्मार्ट फीचर्स के साथ रेडियन 110 जो है लॉन्च कर दी है इंडियन मार्केट्स में, जिसमें आपको अब मिलेगा फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर जो कि आप रेडर 125 में ऑलरेडी देख चुके हो, जिसमें आपको रेडर 125 वाले बहुत सारे फीचर्स और भी कुछ नए एड ऑन फीचर्स करके दिए गए हैं। वो वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। अब भाई, जब रेडर 125 वाला मीटर और रेडर 125 वाले फीचर्स आपको रेडियन में ही मिल रहे हैं, तो फिर रेडर 125 क्यों ही खरीदेंगे लोग अगर थोड़ी पावर और लुक्स को हटा दे तो? तो भाई, इसीलिए जो है टीवीएस की तरफ से एक न्यूज लीक हुई है कि बहुत जल्द टीवीएस रेडर 125 का एक अपडेटेड वर्जन जो है लॉन्च होने वाला है इंडियन मार्केट में। हालांकि अभी कोई ऑफिशियली नहीं है, लेकिन इस पे काम चल रहा है और बहुत जल्द जो अभी तक रूमर्स आ रहे थे कि एक स्मार्ट वर्जन लॉन्च होगा टीवीएस रेडर 125 का, तो वो फाइनली अब बहुत जल्द होने वाला है। तो उसी के बारे में अपना जो है आज का वीडियो होने वाला है, तो वीडियो देखना पूरा एंड तक। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और इसी तरह का बाइक से रिलेटेड कंटेंट देखना पसंद है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन कर दीजिए ऑल, ताकि इसी तरह का बाइक से रिलेटेड कंटेंट आप लोगों को सबसे पहले मिलता रहे। तो गाइस, मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि जब टीवीएस रेडर 125 लॉन्च हुई थी, तब इसके दो वेरिएंट कंपनी ने शो किए थे, जिसमें दो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर वाले, एक टीएफटी वाला था और एक नॉर्मल डिजिटल मीटर वाला वर्जन जो है कंपनी ने अपने ट्रेलर में दिखाया था। बट कंपनी ने एक ही वर्जन लॉन्च किया डिजिटल मीटर वाला, और उसमें कंपनी ने कहा कि आपको जो है अपग्रेडेड वर्जन इसका बाद में जो है लॉन्च हो जाएगा, बट अभी तक उसकी कोई अपडेट नहीं है। लेकिन अब इस पे जो है काम चल रहा है और बहुत जल्द रेडर 125 का नया अपडेटेड वर्जन आने वाला है, जिसमें आपको मिलेगा टीएफटी वर्जन। जी हाँ, बिल्कुल सही, टीएफटी डिस्प्ले आपको जिसमें देखने को मिलेगी। बहुत सारे फीचर्स उसमें आपको अपडेटेड मिलने वाले हैं, जिसमें से एक सबसे बड़ा फीचर्स है ब्लूटूथ फैसिलिटी, और दूसरा बड़ा फीचर्स है कॉलिंग फैसिलिटी। मैसेज वगैरह सब आपके इसमें जो है फैसिलिटी शो हो जाएगी, नोटिफिकेशन वगैरह शो करेगी, वो आपकी उस टीएफटी में दिखाएगा। बस आपको अपना फोन ब्लूटूथ से कनेक्ट रखना है, आपके जो भी नोटिफिकेशन वगैरह आएगी वो उसमें सब शो कर देगी। तो यार, ये बहुत ही आपकी लाइफ को ईजी कर देगा। राइड करते हुए आप देख पाओगे किसका कॉल आ रहा है, किसकी जो है मैसेज वगैरह आए हैं, क्या नोटिफिकेशन आपके फोन पे शो हुई है, तो वो सारे फीचर्स जो है इसमें आपको देखने को मिलेंगे। बाकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला फीचर्स तो आप में इसको देखने को मिलेगा ही, कॉलिंग फीचर भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। यानी आपके फोन पे अगर किसी का कॉल शो हो रहा है, पॉपअप हो रहा है, तो वो आपको जो है टीएफटी स्क्रीन में दिखा देगा कि भाई किसका कॉल आ रहा है। आप बाइक साइड में लगा के और इजिली अगर कोई अर्जेंट कॉल है तो उसको पिक कर सकते हो। उसके अलावा और भी दो तीन फीचर जो है कंपनी इसमें एड ऑन करने वाली है। बाकी जो है इसमें इंजन किल स्विच का बटन भी दिया जा सकता है, अभी इस पे काम चल रहा है, हो सकता है इंजन किल स्विच का बटन दे दिया जाए, क्योंकि यार 125 सीसी की बाइक में आपको दो मोड दिए जा रहे हैं लेकिन इंजन किल स्विच का बटन नहीं है, तो हो सकता है आपको इंजन किल स्विच का बटन भी दे दिया जाए। लेकिन जो बड़ी अपडेट है, मेजर अपडेट है, वो इसकी टीएफटी स्क्रीन से लेके ही है। और प्राइस में क्या हाइक होने वाला है, तो 6,000 से 7,000 रुपये इस बाइक की प्राइस में और इंक्रीज हो जाएगा। तो अभी जो इसकी ऑन रोड प्राइस है जयपुर में, वो 1,10,000 रुपये है, तो ये मान लीजिए 1,17,000 या 1,18,000 के आसपास फिर आपको ये बाइक जो है इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगी। पुराना वर्जन ऑलरेडी चलता रहेगा, बट ये एक नया वर्जन एडेड हो जाएगा, स्मार्ट वर्जन, जो आप जो है 7,000 रुपये एक्स्ट्रा देके खरीद सकते हो। तो ये एक छोटा सा अपडेट रिलेटेड वीडियो था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, राइड सेफ एंड ऑलवेज वियर अ गुड क्वालिटी हेलमेट। गुड बाय।